कहा जाता है कि 2025 तक 2025 तक 1 in 8 इंडियन विमेन विल बी अफेक्टेड बाय दिस, मतलब हर आठवीं इंडियन औरत में से एक को छाती का कैंसर या स्तन का कैंसर होगा। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रोहन खंडेलवाल है, मैं सीके बिरला हॉस्पिटल गुड़गांव में ब्रेस्ट कैंसर सर्जन हूँ। आज जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ ये कुछ बहुत ही जरूरी पॉइंट्स हैं छाती के कैंसर के, स्तन के कैंसर के बारे में। सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि छाती का कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर इंडिया में लेडीज के अंदर सबसे कॉमन कैंसर बन गया है। पहले बच्चेदानी के मुंह का कैंसर या सर्विक्स का कैंसर सबसे कॉमन था, बट नाउ ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन कैंसर हो गया है। कहा जाता है कि अगर 21 इंडियन औरतें कहीं पे जमा है तो उनमें से एक अपनी जिंदगी में इस बीमारी का शिकार बनेंगी। नाउ जब हम ये आंकड़े सुनते हैं तो हमें सबसे पहली चीज यही दिमाग में आती है कि ये बीमारी क्यों बढ़ती जा रही है, क्यों इतना ये छाती का कैंसर इतना कॉमन होता जा रहा है। तो इसके लिए हमें छाती के कैंसर के जो रिस्क फैक्टर्स हैं, जो कॉजेटिव फैक्टर्स हैं, उनके बारे में बात करना जरूरी है। तो हर बीमारी के कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। छाती के कैंसर के रिस्क फैक्टर्स को मैं दो में डिवाइड करता हूँ। एक है जो नॉन मॉडिफाइबल कहते हैं, ठीक है, जिनको हम बदल नहीं सकते, और एक है जिनको बदल सकते हैं, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। सो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जो बदले नहीं जा सकते, मतलब जो हमें विरासत में मिले हैं, जो जीन्स हमें हमारे पेरेंट्स से मिली हैं, हम उनको बदल नहीं सकते। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे छाती के कैंसर का रिस्क भी बढ़ता जाता है। अगर हमारे फैमिली के अंदर मम्मी के साइड या पापा के साइड पे छाती का कैंसर या ओवरी के कैंसर की हिस्ट्री है तो भी छाती के कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। बाकी अगर पीरियड्स जल्दी स्टार्ट हो या पीरियड्स लेट खत्म हो तो भी छाती के कैंसर का रिस्क बढ़ता है। नाउ अगर आप अपने पेरेंट्स से, अपनी मदर से बात करें और पूछें कि उनके पीरियड्स जिसको हम मेनार्की कहते हैं किस उम्र पे स्टार्ट हुए थे, तो वो कहेंगे अप्रोक्सीमेटली 14-15 साल की एज पे। पर पिछले 20 सालों के अंदर भारत के अंदर ये जो उम्र है ये घट के 10 या 11 साल तक आ गई है, एंड ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से छाती का कैंसर आगे भी जाके और बढ़ेगा। क्यों हो रहा है ये, क्यों पीरियड जल्दी आ रहे हैं? बिकॉज बचपन में मोटापा ज्यादा, चाइल्डहुड ओबेसिटी बढ़ गई है, जिसके कारण पीरियड जल्दी स्टार्ट हो रहे हैं लेडीज के अंदर। और रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करें जो नॉन मॉडिफाइबल है वो है ब्रेस्ट डेंसिटी। ब्रेस्ट डेंसिटी जो है ये मैमोग्राफी जो छाती का एक्सरे है उससे पता चलती है, एंड ये देखा गया है कि जो एशियन औरतें हैं, एशिया में इंडिया की जो औरतें हैं उनके अंदर ब्रेस्ट डेंसिटी काफी हाई है, जो एक और कारण है why breast cancer is increasing. Now, कुछ ऐसे risk factors हैं जो modifiable हैं, जो हम बदल सकते हैं। वो risk factors के अंदर weight, मतलब मोटापा, अगर वो control में रखे, अगर smoking ना करें, अगर alcohol ना पिए, तो छाती के cancer को हम 30% risk कम कर सकते हैं। And सिर्फ छाती के cancer के लिए नहीं है ये, इससे 7 या 8 अलग तरीके के कैंसर्स का रिस्क भी कम हो जाता है। तो मैं रिपीट करता हूं कि वेट को कंट्रोल में रखना है। आजकल आपने सुना होगा BMI, बॉडी मास इंडेक्स, वो 25 से नीचे रखना है। अल्कोहल और स्मोकिंग नहीं करनी। अगर ये तीन चीजें कंट्रोल में रहेंगे तो छाती के कैंसर का रिस्क, ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कैन बी रिड्यूस बाय 30-35%। और क्या चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में है? अगर बच्चे करने की एज, जो मदर की एज, पहला बच्चा हुआ, सो ये देखा गया है कि अगर पहला बच्चा 20 या 21 साल की उम्र से पहले हो जाता है तो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम हो जाता है। पर आजकल का ट्रेंड क्या है? आजकल का ट्रेंड है कि पहला बच्चा 30 साल की उम्र के बाद होता है, जिससे छाती के कैंसर होने का रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है। सो इट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ऑल्सो हॉर्मोन्स खाने से छाती के कैंसर का रिस्क बढ़ता है। सो हॉर्मोन रिप्लेसमेंट, या अगर आप किसी और बीमारी के लिए गायनेकोलॉजिस्ट आपको हॉर्मोन देती है तो उससे भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है। एक और चेंज जो देखा गया है कि ब्रेस्ट फीडिंग, बच्चे को दूध पिलाना, उससे अगर वो 1 साल किया जाए तो छाती के कैंसर का रिस्क कम होता है। पर आजकल लेडीज वर्क करने लग गई है और क्योंकि वो काम पे जल्दी चली जाती है तो वो ब्रेस्ट फीडिंग की ड्यूरेशन कम हो गई है, जिसके कारण ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क फिर से बढ़ता जा रहा है। तो मैंने आपको कुछ फैक्टर्स हाईलाइट किए जिसके कारण भारत के अंदर इस बीमारी का इंसिडेंस रेगुलरली बढ़ रहा है एंड आगे भी बढ़ता जाएगा अगर हम
सावधानी ना बरते। Subscribe to our channel and press the bell icon for more videos on cancer care.